सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से आज दिनांक 13 मार्च 2023 को अभी अभी ये आदेश जारी होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बेसिक शिक्षा सचिव का यह जो आदेश है, बड़ा आदेश है, यह अभी अभी जारी हुआ है और एक बार फिर से यहाँ पर बेसिक शिक्षा सचिव के माध्यम से बड़ा बदलाव किया गया। जी हाँ, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, इसी कारण से एक बार फिर से यहाँ पर मौका दिया गया और ये आदेश जारी किया गया समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, जिसका विषय जो है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय यानी कि जो परिषदीय विद्यालय है उनकी बात की जा रही है, जिसमें जो कार्यरत सहायक अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं, उनकी जो अन्यतम जो ज्येष्ठता सूची यानी वरिष्ठता सूची इस समय प्रक्रिया चल रही है, प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, उसी को लेकर यह आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। और बताया गया है कि जो ये वरिष्ठता सूची थी, ठीक है, जो पोर्टल पर अपलोड करनी थी, उसमें 13 मार्च तक का समय दिया गया था, लेकिन अब यहाँ तो थोड़ा समय और बढ़ा दिया गया। कहा गया है कि 20 मार्च 2023 की मध्यरात्रि 12 बजे तक आपत्ति दर्ज कराने के जो निर्देश है वो दिए गए हैं, ठीक है, और आज तक ये सभी जो सूचियां हैं वो अपलोड भी कर दे रही है। लगभग सभी जनपदों की जो सूची है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुकी है, मैंने पिछले कई वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सूची को देखना है, डाउनलोड करना है और उसमें आप अपना नाम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 20 तारीख तक आपको यहाँ पर आपत्ति दर्ज करानी है और इसके बाद जो अंतिम ज्येष्ठता सूची है, वरिष्ठता सूची है, वो अपलोड कर दी जाएगी और तभी तक 20 तारीख तक अभी जिन जिन जिलों की नहीं आई है वहाँ पर अपलोडिंग का कार्य भी चलने वाला, क्योंकि अभी 16 तक का समय तो पोर्टल पर अपलोड करने का दिया ही गया है, लेकिन ये अंतिम है, अब इसके बाद तो यहाँ पर मौका नहीं मिलने वाला है। 20 तारीख के बाद फाइनल जो ज्येष्ठता सूची है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित हो जाएगी, जितनी आपत्तियाँ होंगी उनका निस्तारण कर दिया जाए और उसके बाद 30 अप्रैल तक समस्त जो भी शिक्षक होंगे या शिक्षिका होंगी जो प्रमोट होने वाले होंगे उनको प्रमोशन दे दिया जाएगा, उनको नए विद्यालय में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो शिक्षक जगत की हर एक अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।